NCP leader Tariq Anwar, speaking to NNIS, said that in terms of the bugging episode, the BJP itself was a divided house. Tariq Anwar said that many important leaders had been saying that bugging did happen in the residence of Nitin Gadkari, but there were diverse reasons that were coming out in the public. He said it was time that the BJP and the PM office give a clarification on the matter. He said if big leaders were being snooped on by foreign countries, needs to be exposed. देखिए इसमें तो भारतीय जनता पार्टी खुद विभाजित है. उनके बहुत महत्वपूर्ण लोग कह रहे हैं कि जासूसी हुई थी और बगिंग हुई थी, लेकिन अब उसमें अलग अलग तिथि, अलग अलग तारीख बता रहे हैं और अलग अलग कारण बता रहे हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस मामले में स्पष्टीकरण जल्द से जल्द देना चाहिए. जो इस तरह का एक कंफ्यूजन हो रहा है, जो इस तरह की एक गलत धारणा बन रही है कि हमारे देश में बड़े बड़े जो भी राजनेता हैं उनकी जासूसी हो रही है, चाहे वो किसी विदेशी के इशारे पर हो, किसी दूसरे मुल्क के इशारे पर हो, तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसका खुलासा होना चाहिए. Speaking on Moradabad, Tariq Anwar said that there was a concerted effort of the BJP and Sangh to ruin the atmosphere in the state. He urged the Akhilesh government to act strongly. Uttar Pradesh सरकार को पूरी सख्ती से पेश आना चाहिए. जो उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का एक प्रयास चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की ओर से, अगर उसको सख्ती से नहीं कुचला गया तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि इस देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ सकती है. जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है, फिर पूरे देश में ये काम होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल तक गुजरात में यही काम किया है. नफ़रत के आधार पर वो चुनाव में कामयाबी हासिल करते रहे, लोगों के बीच में घृणा पैदा करके. तो ये काम वो चाहेंगे कि देश के पैमाने पर करें, और संघ परिवार भी यही चाहता है कि ध्रुवीकरण हो, तो इसको रोकने की आवश्यकता है और इसमें मैं समझता हूं कि अखिलेश सरकार को सख्ती से पेश आने की जरूरत है. When asked about the future of the Congress NCP alliance, Tariq Anwar said that in the future too the alliance will be maintained. He said this will be the alliance which will stop the rise of BJP Shiv Sena in the state. देखिए महाराष्ट्र का इलेक्शन मेरा ख्याल है ठीक रहेगा और कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है वो बना रहेगा. जो भी सीट को लेकर थोड़ा विवाद है, हम समझते हैं कि आने वाले समय में उसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और हम दोनों मिलकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे. अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को रोकना है तो ये गठबंधन आवश्यक है. पावर्ड बाय NNIS.